I hope you all are fine. Yes? Very good. I know you all are fine children. So, आज का हमारा जो डे है बच्चों, that is, कल था मंडे, today is Tuesday. Yes, तो आज ट्यूजडे मैम आपके लिए लेकर आई है समथिंग न्यू टू लर्न. क्या है वो चीज लर्न करने के लिए? हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स. यस, सो चिल्ड्रन टुडे वी आर गोइंग टू अगेन लर्न थ्री न्यू अल्फाबेट, यानी तीन नए अल्फाबेट्स. ठीक है, सो उसके पहले आज हम डे, डेट एंड क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं. यस चिल्ड्रन, ओके. सो टुडे इज ट्यूजडे एंड द डेट इज 13.13.7.2021. ओके, एंड what is that? Prayer. ठीक है, so come on everybody, let's join hands and close your eyes. Ready? Holy God, holy the mighty one, holy the immortal one, have mercy on us and on the whole world. Queen of Carmel, pray for us. Amen. So children, now our prayer is over. तो अब हम निकालेंगे हमारी कौन सी, हम निकालेंगे हमारे इंग्लिश की अल्फाबेट्स वाली बुक. यस, अभी तक के नहीं निकाला था ना, लेकिन आज से हम इसमें भी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे. ओके, सो यू टेक आउट इंग्लिश अल्फाबेट्स बुक. ठीक है, एंड यू हैव टू टेक आउट पेज नंबर 1515. पेज नंबर 1515. एल, आज हम सीखेंगे एल, उसके बाद V एंड W. ये क्यों हम सीखेंगे बताएगा कोई? आप में से कौन बताएगा मुझे? टेल मी, हु विल गोइंग टू टेल मी कि व्हाट, व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न, हम क्यों ये पढ़ेंगे? क्योंकि क्योंकि ये सारे जो अल्फाबेट्स हैं हमारे स्लैंटिंग एंड स्टैंडिंग लाइन वाले हैं. यस चिल्ड्रन, इसलिए क्योंकि हम अभी तक के जितने भी अल्फाबेट्स करते आए हैं सारे पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ही हम कर रहे हैं. ओके, सो ये भी है हमारे स्टैंडिंग एंड स्लैंट लाइन वाले अल्फाबेट्स. ओके, सो आप जब निकालेंगे पेज नंबर 15, यहाँ पे लिखा हुआ है एन. अब यहाँ आपको देखो स्टैंडिंग लाइन, वन पॉइंट से आपको मिली है एक स्लैंटिंग लाइन एंड देन वन स्टैंडिंग लाइन, तो ये आपका बन जाता है एन. N for nest यानी घोंसला, N for notebook, right? Notebook यानी पुस्तक, उसके बाद N for nut, जो हम mostly हमारी cycles में या कुछ screw को tight करने के लिए हम ये nut use करते हैं. And N for what is this? Newspaper. हाँ, तो आज हमने N से क्या क्या चीजें लिखा? N for nest, N for nut, N for notebook and N for newspaper, right? तो ये हो गया हमारा N. अब आपको निकालना है पेज नंबर 2313, ओके? अब यहाँ पे देखो आपको टू स्लैंटिंग लाइन, यहाँ पे देखो वन स्लैंटिंग लाइन, अनदर स्लैंटिंग लाइन, है ना? तो अब देखो V for क्या होता है? V for vulture. वल्चर क्या होता है? एक प्रकार का ये है बर्ड, राइट? ये उसके बाद V for van, वेरी गुड. V for vase, जो हम लोग गमलों में फ्लावर्स लगाते हैं वो. देन V for vegetables, राइट? V for वल्चर, V for van, V for vase एंड V for vegetables. यस चिल्ड्रन, नाउ उसके पीछे आप देखो वेजिटेबल्स, राइट? ये W, W for विंडो, विंडो यानी खिड़की. W for व्हील, व्हील यानी W for व्हेल, इट इज व्हेल, है ना? व्हेल यानी बहुत बड़ी जो मच्छी होती है ना उसको हम व्हेल बोलते हैं. उसके बाद W for वेल यानी कुआं, जहां से हम पानी खींच के निकालते हैं. एंड उसके बाद W for वुड यानी लकड़ी. ठीक है, हमने क्या क्या चीज देखा W से? W for विंडो, W for वे, W for well,
डब्ल्यू फॉर क्या देखा, जल्दी बताओ, वुड यानी लकड़ी। ठीक है बच्चों, अब हम इसे लिखना सीखेंगे। देखो आप लोगों को मालूम है कि ऑलरेडी हम थ्री लाइंस वाली जो हमारी फोर लाइंस वाली जो बुक है उस कॉपी में उसमें कर रहे हैं, राइट। तो अभी आपने देखो यहाँ पे एन लिखा हुआ है मैम, है ना मैम, देखो यहाँ पे एन लिखी है। अब आप इसे लिखना कैसे है आप ध्यान से यहाँ देखिएगा, स्टैंडिंग लाइन, ओके। आपको कहाँ कहाँ लिखना है आपको मालूम है ना, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, यानी टू रेड बेरी लाइन है, बीच में दो ब्लैक बेरी लाइन है, तो हम कहाँ लिखते हैं, वन रेड बेरी लाइन एंड टू ब्लैक बेरी लाइन के बीच में, राइट। तो हम यहाँ पे थ्री लाइन के बीच में हम स्टैंडिंग लाइन, अब जो फर्स्ट यहाँ से जहां से आपने स्टैंडिंग लाइन शुरू किया था वहीं से आपको एक स्लैंट लाइन बनानी है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद अगेन उसके थोड़े जो है यहाँ नीचे वाला जो पॉइंट है वहां से आपको एक स्टैंडिंग लाइन ज्वाइन करनी है, समझे, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंट लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। अगेन आप देखो यहाँ पे मैम कैसे बना रही है, टॉप टू बॉटम, है ना, ऊपर से नीचे मैम थ्री लाइन में एक स्टैंडिंग लाइन की है, उसके बाद मैम ने किया है एक स्लैंट लाइन, ओके। एंड स्लैंट लाइन के बाद मैम ने यहाँ इस पॉइंट से नीचे तक के एक खींच लिया है जो हो जाता है हमारा एन, ओके, एन फॉर नेस्ट। वी, अब वी हम कैसे बनाएंगे, तो बहुत सिंपल है क्योंकि हम वी ऐसे भी बनाते हैं हाथ से, वी फॉर विक्ट्री भी होता है। देखो वन स्लैंटिंग लाइन, अनदर स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। अब यहां भी देखो सेम स्लैंट लाइन, अनदर स्लैंट लाइन, बन गया वी, ओके। अब डब्ल्यू, जैसे आपने वी बनाया है वी फॉर वैन, वैसे ही हम थ्री लाइंस में बनाए हैं, सेम हम डब्ल्यू भी थ्री लाइंस में बनाएंगे, ओके। तो जैसे हमने वी बनाया है सबसे पहले हमको सेम वी बनाना है, ओके, बना लिया हमने वी, सेम उसके साथ हमें दूसरा एक और वी बनाना है बच्चों, यस। तो ये बन जाएगा हमारा डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर व्हाट, डब्ल्यू फॉर वेयर, डब्ल्यू फॉर वाज, एंड डब्ल्यू फॉर नहीं वी फॉर वाज होता है, डब्ल्यू फॉर वेल, यस, एंड डब्ल्यू फॉर वुड यानी लकड़ी, है ना। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्लैंट लाइन, अनदर स्लैंट लाइन, फिर एक स्लैंट लाइन, अनदर स्लैंट लाइन, हमारा बन गया डब्ल्यू, है ना। तो बच्चों आज हमने तो थ्री अल्फाबेट सीखे हैं, एन फॉर नेस्ट, वी फॉर वैन, डब्ल्यू फॉर वॉच, ओके। तो ये आप लोग अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे और आज मुझे आप सेंड करेंगे, ओके चिल्ड्रेन, बाय बाय, हैव अ नाइस एंड अ लवली डे, टेक केयर चिल्ड्रेन।